पंजाब और राजस्थान के बाद अब कांग्रेस की मुसीबत झारखंड में बढ़ रही है। पार्टी टूट के कगार पर पहुंच चुकी है। विधायक ने मंत्रियों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। पार्टी में मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस दो खेमों में बढ़ गई है। पार्टी का एक धड़ा शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहा है तो दूसरा मान सम्मान की बात कह रहा है। इस दौरान युवा कांग्रेस की बैठक में नाराजगी खुलकर सामने आ गई। पार्टी विधायक दीपिका पांडे ने सत्ता में बैठे लोगों से संगठन के लोगों की भागीदारी भी तय करने की याद दिलाई। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के सामने इसे उठाने की बात कही। वहीं दीपिका पांडे ने इस दौरान एक बार फिर से पुलिसिया प्रणाली पर सवाल खड़े किए। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पार्टी में कोई गड़बड़ी नहीं है। आलमगीर आलम ने कहा कि हमारा संगठन, हमारे विधायक एकजुट हैं। उधर झारखंड कांग्रेस में जारी कलह पर बीजेपी ने पलटवार शुरू कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा अपने ही सरकार खड़े में खड़ा करती है। उन्होंने कहा कि राज्य में अफसरशाही हावी होने की बातें कांग्रेस का ही आचरण है। हालांकि कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं को अधिकार दिलाने के नाम पर जो हलचल तेज हुई है, उसी के बहाने पार्टी विधायक ने भी अपनी ही पार्टी की मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विपक्ष को भी राजनीति करने का एक सुनहरा मौका दे दिया है। कांग्रेस खेमे में मची इस खलबली से अब झारखंड सरकार पर भी खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अगर पार्टी के विधायकों ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला तो इसका सीधा असर राज्य सरकार पर पड़ेगा। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में झारखंड की सियासत करवट ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।